मेरा नाम मौसम शर्मा है। मैं नित्यांगन हॉबी सेंटर की निर्देशिका, कोरियोग्राफर, योग गुरु और निट पटना में आर्ट फैकल्टी भी हूँ। मैं लाइव ग्लोबल की टीम और बिहार वॉइस की पूरी टीम को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नित्यांगन हॉबी सेंटर को आज 11 से 12 साल होने जा रहे हैं और मैं इस फील्ड में 12 साल 13 साल से हूँ। जो नित्यांगन आज से 10 साल पहले था, कुछ भी नहीं था, एक बच्चा था, एक मेरा छोटा सा रूम था। मैंने एक रूम से नित्यांगन को स्टार्ट किया था, सिर्फ एक बच्चे से, जहाँ की मंथली फ़ी थी 250 रुपये। मैं आपको बता दूं, आज नित्यांगन को 11 से 12 साल हो रहे हैं और अगर मैं बोलूं कि पटना में मेरे 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट हैं तो ये मैं गलत नहीं बोलूंगी। इतने लोग मुझसे सीख के निकल चुके हैं, ये नहीं कि 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट कंटिन्यू है मेरे पास अभी संस्था में, बट इतने लोग मेरे यहाँ से डांस, फिटनेस और फिट होके निकल चुके हैं। और बहुत ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट, डांस इंडिया डांस, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो में बच्चों ने अपना करियर बनाया है और आज मूवीज़ में वर्क भी कर रहे हैं। तो मेरा जो काम है नित्यांगन में, जो हम काम करते हैं वो फीमेल्स पे करते हैं। हमारा नृत्यांगन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और लड़कियों और बच्चियों के लिए है। हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं को, हम उन महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं जो महिलाएं घर में काम करके, किचन में काम करके झल्ला जाती है, घर में डिप्रेशन में आ जाती है दिन। हम उनको ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किचन ही आपकी जगह नहीं है, एक घंटा अपने लिए समय निकालो, अपने आप को फिट बनाओ और हर तरीके से फिट बनाओ, तभी आप चीज़ों को सही से कर पाएंगे। देखिए, योग, ये लाइन बोलूँ, योग बनाए निरोग, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि योग से कोई भी बीमारी हमारी 100% ठीक हो जाती है, ये बोलना एकदम गलत होगा। लेकिन अगर हम ये बोलें कि योग करने से हमारी बीमारी एकदम कम हो जाती है और आगे फ्यूचर में कोई भी नई बीमारी नहीं लगती, हम कोई भी बीमारी में एक मेडिसिन, जैसे हमें शुगर ही है, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आपको रेगुलर ये मेडिसिन खाना है, या हमें आर्थराइटिस है, डॉक्टर बोलते हैं रेगुलर ये मेडिसिन खाना है, तो कहीं ना कहीं उस मेडिसिन का कोई तो साइड इफ़ेक्ट होगा। मुझे नहीं पता साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं योग के अगर नज़र से बोलूं तो वो मेडिसिन कहीं ना कहीं आपको किसी और जगह पे तो नुकसान दे ही रही है और एक नई बीमारी को जन्म दे रही है। लेकिन मैं जो योग करवाती हूँ, प्राणायाम है, आसन है, मेडिटेशन है, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम जो हम भस्त्रिका करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, इनसे हमारी जो हमारे शुगर है, माइग्रेन जिससे कि सर दर्द से लोग, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो हेडेक लेके बैठ जाते हैं, सबसे पहले लोगों को सर दर्द ही होता है। लेकिन अगर एक रियल बात बता दूं कि आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले मेरे भी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई थी 15 साल पहले, और मैं माइग्रेन की बहुत बड़ी शिकार हो गई थी और मैं कम से कम बेड रेस्ट रहती थी 1 से 2 महीना तक, और मैंने अपने माइग्रेन को 0 लेवल पे लाया अपने खुद के योग से। सारे मेडिसिन को मैं उठा कर डस्टबिन में डालने वाली हूँ। तब से ही मैंने, जब मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसी बड़ी ट्रेजडी से जब मैं सोच सकती हूँ कि मैं आत्महत्या कर सकती हूँ, सुसाइड कर सकती हूँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनके लाइफ में छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें आती है और लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ से अपने नृत्यांगन को सिर्फ और सिर्फ फीमेल का बनाई कि मैं महिलाओं को, लड़कियों को फिट बनाऊंगी और हर तरीके से हेल्दी बनाऊंगी। ये नहीं कि थोड़ा भी टेंशन हो तो वो जरा सा भी घबरा जाए, कहते ना हम फिट तो सब हिट। दिवाली के लिए छठ को लेकर के आप अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
छठ अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा बहुत ही पसंदीदा त्यौहार है, मैं छठ को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरा भी सपना है कभी मैं भी छठ करूँगी। अभी तक मैंने छठ उठाया नहीं है, लेकिन ये सपना ज़रूर पूरा होगा, छठ एक दिन मैं भी करूँगी। बहुत ही पावन और बहुत ही महापर्व है। मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरी दुनिया को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। और आज भाई दूज है, चित्रगुप्त पूजा है, मैं आज भी सारे लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ करती हूँ। मैं बिहार 24 और एक्सप्रेस लाइव की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो हमारा फेम आगे नहीं बढ़ेगा। नृत्यांगन को लोग इतना नहीं जान पाएंगे, आप हमारे तक आते हैं और हमारी न्यूज़ को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही आते रहें और हमारा सम्मान बढ़ाते रहें। आप सबका भी धन्यवाद। I gave you my heart.